और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली जाने वाले हैं, सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर सीधा मंथन इस बैठक में किया जाएगा। शाम 4 बजे दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है और हार के कारणों पर मंथन इस बैठक में होगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दिल्ली जाएंगे आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हार के कारणों पर इस बैठक में मंथन होगा। तो 5 राज्यों में चुनाव के नतीजों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही मंथन किया जाएगा कि आखिरकार क्या वजह रही जिसकी वजह से हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। सीडब्ल्यूसी की बैठक चूंकि आज होने वाली है और इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश जब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाते थे तो एक बड़ी जिम्मेदारी वहां पर निभाते थे, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। लेकिन कह सकते हैं कि एक बार फिर से दिल्ली जा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बैठक में शामिल होने के लिए वो दिल्ली जाएंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं, रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, कितने बजे ये बैठक का आयोजन तो 4 बजे किया गया, लेकिन कितने बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचने वाले हैं, कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? देखिए, कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आने वाले हैं, दिल्ली आने वाले हैं और उनका शेड्यूल है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो कि 4 बजे बुलाई गई है और बेहद महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे जो सामने आए हैं उसके बाद ये बैठक हो रही है और काउंटिंग के 3 दिन के बाद ही बैठक बुलाने का मतलब आप समझ सकती हैं कि काफ़ी दबाव है आलाकमान के ऊपर, क्योंकि G23 के जिन नेताओं ने लगातार सवाल उठाया है कांग्रेस संगठन में काम करने को लेकर, उनका भी दबाव है। उनकी बैठक एक हो चुकी है और उनके कुछ नेताओं को भी CWC की बैठक में बुलाया गया है, वो भी CWC के सदस्य हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस बैठक में शामिल होना इस बात की ओर दर्शाता है कि आलाकमान ने जो भी कदम उठाए या आलाकमान की तरफ से जो भी लोग चुनाव में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया उनके बचाव में वो सामने आएंगे और G23 के नेताओं के सवालों का जवाब देने में वो सक्षम होंगे। बिल्कुल रमन, लेकिन हमने देखा भी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव के दौरान पहुंचे थे उत्तर प्रदेश और एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस को एक हार का सामना करना पड़ा, जनता ने बीजेपी पर भरोसा जता दिया। बिल्कुल, आसाम के बाद भूपेश बघेल के ऊपर ये दूसरी बड़ी जिम्मेदारी थी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी जिम्मेदारी निभाने में वो कामयाब भी हुए। लेकिन प्रियंका गांधी ने जो नतीजे सामने आए थे, नतीजे सामने आने के बाद वो उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि हमारी काफ़ी मेहनत, कड़ी मेहनत के बावजूद भी जो भीड़ हमारे जनसभाओं में आई उसे हम वोट में तब्दील नहीं कर पाए, ये हमारी नाकामयाबी रही और इसे हम किस तरीके से आगे वोट में तब्दील करें इस बात पर मंथन करना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा, बैठकें करनी पड़ेगी। हालांकि भूपेश बघेल को जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को निभाने में वो कामयाब रहे और उनके बिहेवियर को लेकर, उनके काम करने के तरीके को लेकर कांग्रेस आलाकमान बेहद खुश है। बिल्कुल बिल्कुल रमन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।